योगा में शरीर का फिट होना बड़ा जरूरी होता है जी। लेकिन आप जब 9 महीने के थे तभी से आपके दोनों पैरों में पोलियो ग्रस्त है जी। फिर आप पोलियो ग्रस्त होने के बावजूद योगा में कैसे आए? सर, जब मुझे पोलियो लगा तो डॉक्टर्स ने बोला कि मेरे पिताजी को कि इसको आप जो है तेल मालिश करें, इसको योग की क्रिया करवाएं ताकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, इसके शरीर में जो है विकास हो। तो वहीं पे मेरे पिताजी ने मुझे योग सिखाना स्टार्ट किया और फिर मैंने 5 साल की उम्र से भी खुद करना स्टार्ट कर दिया था। और स्कूल्स लेवल में जब मैं आया, कॉलेज लेवल्स में भी आया, तब भी मैंने इसको कंटिन्यू रखा। काफ़ी सारे विकलांग लोग हैं जी। जो गेम खेलना चाहते हैं जी, लेकिन उन पे कमेंट होते हैं और उनके साथ मतलब वो या तो फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता जी, या समाज सपोर्ट नहीं देता करता, तो खेल नहीं पाते हैं जी। आपके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव रहा है? मेरे साथ भी आया सर। मतलब सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन फैमिली ने ही सपोर्ट किया है और लोगों ने बड़े कमेंट किए भी मेरे ऊपर कि मैं चल नहीं सकता, क्यों मैं योगा कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे योगा चैंपियनशिप में डिसेबिलिटी की कोई कैटेगरी नहीं है, तो मुझे नॉर्मल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं कि अभी भी आप नॉर्मल में खेलते हैं? अभी भी मैं नॉर्मल में खेलता हूँ और आज भी मुझे कई सारी बातें और कई सारी ताने सुनने को मिलते हैं लोगों की तरफ से कि हैंडीकैप है, कहाँ से चले आते हैं ये लोग, क्या परफॉर्मेंस देंगे, क्या करेंगे। आप हांगकांग के बारे में कुछ बता रहे थे। सर, मैं जब हांगकांग गया था तो वहाँ पर मेरे साथ घटना ये हुई कि जब मेरे पे कमेंट किया कि यार ये इंडिया के लोग कहाँ से चले आते हैं, यहाँ पैर वैर सही नहीं है और योगा करेंगे, ये करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को मौका दे दिया जाता है। लेकिन जब मेरी परफॉर्मेंस उन्होंने देखी और जब मैंने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता हांगकांग में, तो उन लोगों की मैंटेलिटी चेंज हुई। उन लोगों ने आके मुझसे सॉरी बोला कि भाई आपने बहुत अच्छा किया और आप सच में मतलब इस काबिल हैं कि आपको अवार्ड दिया जाए। सर, जो विकलांग लोग हैं, जो विकलांग स्टूडेंट है, वो अगर खेलना चाहें जी, तो उनको इस तरीके के तानों से किस तरीके से बचने का कोई मैसेज आप देंगे, कैसे इन तानों से बचें? मैं सर, जितने भी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर पर्सनस हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि तानों पे ध्यान ना दें। फैमिली का अगर आपको सपोर्ट है, प्यार है, तो ये चीज़ें फिर बिल्कुल भी आप पे असर नहीं करेंगी, क्योंकि मेरे पे पूरा फैमिली का सपोर्ट रहा है। आज इसीलिए मैं इतना सशक्त और इतना मजबूत हो गया हूँ कि इन बातों का असर नहीं होता। और आप कुछ करेंगे तब भी लोग आपको ताने देंगे, नहीं करेंगे तब भी लोग आपको ताने देंगे, तो बेटर है कि आप कुछ करें और इन बातों को इग्नोर करें।
आगे का क्या प्लान है सर? आगे मैं योग में ही अपना करियर बनाना चाहता हूँ, और योग को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे तो योगा है ही, लेकिन मैं जो डिफरेंटली एबल्ड एक सोसाइटी है जिसको जिस इतने गिरी नज़र से देखा जाता है, फिर लोग सोचते हैं कि लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं उसमें थोड़ा बदलाव लाना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग फिजिकली तो अपना चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेंटली जो है वो लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है कि हम जैसे भी लोग समाज में आगे बढ़ सकते हैं और समाज में अच्छा कर सकते हैं। तो योग में ही मैं अपना पूरा फोकस रखूँगा और इसमें पूरा रिसर्च करूँगा।